हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्ते भारत का ये सेगमेंट होता है दिल्ली मुंबई एडिशन, जिसमें दिल्ली और मुंबई की कोई भी खबर आपसे नहीं छूटेगी, ये वादा है हमारा। सबसे पहले बात मुंबई की कर लेते हैं और अपडेट आपको देते हैं वहां होने वाले गणेश उत्सव से जुड़ा हुआ। आपको बता दें इस बार मुंबई के राजा यानी लालबाग के राजा गणपति की प्रतिमा 22 फीट की बजाय 3 फीट की होगी। गणपति को विघ्नहर्ता यानी दुखों को दूर करने वाला कहा जाता है। देश में कोरोना संकट है, संकट की घड़ी में मुंबई के राजा भगवान गणेश की तरफ से एक संदेश है। लालबाग गणेश उत्सव मंडल ने कोरोना महामारी से निपटने के लिए इस बार गणेश जी की प्रतिमा 22 फीट की बजाय 3 फीट रखने का फैसला किया है। इस साल ये जो कोरोना का प्रादुर्भाव है उसे देखते हुए आदरणीय मुख्यमंत्री उद्धव साहब ने आह्वान किया था कि कृत्रिम तालाब में जो आप विसर्जित कर सके उतने हाइट की आप अगर मूर्ति बनाएंगे तो अच्छा होगा, बेहतर होगा, तो वही निर्णय मंडल की तरफ से लिया गया है। मुंबई में हर साल गणेश उत्सव के दौरान 11 दिन की रौनक होती है, लेकिन इस साल कोरोना के संकट को देखते हुए उत्सव को छोटा कर बड़ा संदेश देने की कोशिश की जा रही है। और मुझे खुशी है कि सभी मंडलों ने मुंबई के अपने प्यार के वजह से ये देखा है कि मुंबई में इस उत्सव के दरमियान कोरोना का फैलाव नहीं हुए और उसको प्रतिसाद देते हुए ये कहा है कि हम सब आपके साथ में हैं, जो निर्णय शासन लेगा वो हमें मंजूर है, लेकिन शासन का निर्णय भी होना बाकी है। उसके पहले ही कुछ मंडलों ने उसमें मुंबई का लालबाग का गणेश गली का राजा उन्होंने ये तय कर लिया है कि हम अपनी मूर्ति की ऊंचाई कम करेंगे। मुझे ऐसे लगता है कि सभी मंडल इसको प्रतिसाद देंगे। कोरोना ने सालों की परंपरा तोड़ी है, लेकिन भक्तों की भक्ति और गणेश उत्सव मनाने का हौसला नहीं। कोविड में आज ही भी कोविड-19 का जो प्रादुर्भाव है वो कम नहीं हुआ है। जब तक मेडिसिन नहीं आता है तब तक अपने को खबरदारी लेनी है और गणपति का उत्सव भी साजरा करना है, सब करना है, लेकिन उसमें अपने लोग नजदीकी नहीं ये करना चाहिए, दूरियां बढ़नी चाहिए। लाखों भक्त गणेश उत्सव के लिए लालबाग आते हैं, इस भीड़ से कोरोना संक्रमण बढ़ सकता है। यही वजह है कि सरकार, पुलिस और गणेश मंडल आपस में तालमेल बिठाकर त्योहार और लोगों को कोरोना के खतरे से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। भगवान श्री गणेश को विघ्नहर्ता भी कहते हैं। कोरोना का ये संकट अब भगवान श्री गणेश के उत्सव पर भी पड़ता दिख रहा है। उम्मीद रखते हैं कि गणेश उत्सव के बाद विघ्नहर्ता कोरोना के इस विघ्न को भी हर लेंगे।